हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम आनंद और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू लिब्रो सेट। तो इस वीडियो को मैंने थ्री पार्ट में डिवाइड किया। पहला है कि हमारे पास दो रूल्स हैं कि अंडर हैंड कब लेना है आपको, फिंगर कब लेना, उसके बाद आपका स्टांस, और उसके बाद आपका आता है कि हमें जब बॉल को हम किस तरीके किस पोजिशन पर हमें बैक सेट कब करना है और फ्रंट सेट कब करना है। तो वीडियो में देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाओ और वीडियो को शुरू करते हैं। अब फर्स्ट रूल, देखो फर्स्ट रूल से पहले बता दो, लिब्रो जो होता है उसको बैकअप सेटर भी कहते हैं, क्योंकि लिब्रो का काम कभी कभी जब सेटर आगे रहता है तब क्या होता है कि लिब्रो को मतलब सेटर के पास बॉल नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से लिब्रो सेंटर में होता है और लिब्रो बॉल को सेट कर देता है। ठीक है, तो पहला जो रूल है अपने पास वो ये है कि फिंगर, अब लिब्रो फिंगर से कब सेट करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट रूल आपको फिंगर, जब आपका लिब्रो बैकअप कोर्ट में होगा, बैकअप मतलब 3 मीटर से पीछे आपका 3 मीटर फ्रंट जोन और बैक जोन, जब वो बैक जोन में होगा तब वो सेट करेगा फिंगर से। अगर वो फिंगर से 3 मीटर के अंदर सेट करता है तो फाउल माना जाता है। ठीक है, जब भी वो फिंगर से सेट करेगा तो बैक जोन मतलब 6 मीटर के अंदर ही बॉल को सेट करता है। और अगर जब वो सेट कर रहा हो तो अगर वो जंप सेट करके मतलब बॉल यहाँ पर है और बॉल आके उसने जंप लिया और यहाँ सेट करके जब वो अंदर आया है तब वो फाउल नहीं होता। ठीक है, अगर वो लाइन कट कर देता है तब फाउल होगा। मतलब उसको 3 मीटर की जो लाइन उसको कट नहीं करना, और अपना जो बॉल जब भी वो सेट करे तो उसको 6 मीटर के अंदर से ही बॉल को सेट करना। तो ये होता है फिंगर का फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, तो सेकंड रूल जो होता है वो होता है अपना अंडर हैंड का, कि भाई अब अंडर हैंड से कब सेट करेगा। तो लिब्रो अंडर हैंड से वो फ्रंट जोन के अंदर भी सेट कर सकता और बैक जोन के अंदर से भी सेट कर सकता। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कि फ्रंट जोन में तो सेट नहीं करेगा। ठीक है, तो फ्रंट बैक दोनों जगह सेट कर सकता है। तो अंडर हैंड से मतलब उसका कहीं भी हो, बैक सेट भी कर सकता, फ्रंट सेट कर सकता, अप बैक कर सकता, कहीं से भी सेट कर सकता, पूरे कोर्ट के अंदर कोई फाउल नहीं होता है। तो अंडर हैंड से वो पूरे कोर्ट के अंदर से कहीं भी बॉल को सेट कर सकता है। ये तो आपका सेकेंड रूल। अब आता आपका सेकेंड पॉइंट, स्टांस और लिब्रो की कौन सी पोजिशन है जहाँ से लिब्रो आराम से बॉल को सेट कर पाता है। देखो मैं आपको बताऊँ, ये होता है आपका 5 जोन। ठीक है, लिब्रो यहाँ खड़ा होता है। अब ये बताओ कि जब भी बॉल आएगी वो तो या बॉल यहाँ पर आएगी, ठीक है, या यहाँ पर आएगी, वो बॉल इसी एरिया के अंदर आती है। ठीक, अब लिब्रो को यहाँ सेट करना है तो उसका जो फेस होता है वो अटैकिंग साइड होता है, मतलब सामने की साइड होता है। तब इस कंडीशन के अंदर लिब्रो जो होता है उसका जो राइट साइड अटैक होता है वहाँ पर वो बॉल बहुत ईजी सेट कर सकता है। अगर लिब्रो आपका लिब्रो का भी सेटिंग मतलब सेट करना बिल्कुल भी नहीं आता तो बैक बॉल नहीं फेंक, अगर बॉल यहाँ आई है तो बॉल को ऐसे फेंकना होगा, तो ये बैक सेट होता है। ठीक है, तो यहाँ फेंकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो सबसे इजी जो वे है वो आपका लिब्रो को आप यहाँ पे आओ और यहाँ से सीधे राइट के पास जो राइट अटैकर है उसके पास बॉल को फेंक सकते हो। ठीक है, अब आपको फॉलो थ्रू बता दूँ, तो फॉलो थ्रू में सेम वही, अपनी बॉडी को बेंड रखना, ठीक है, हाथों को ओपन रखना और एक पांव आगे एक पांव पीछे और बॉल को लेकर पूरा फेंकना है। ठीक है, तो आपका फॉलो थ्रू है। सेम मैंने वैसे वीडियो बना रखा है हाउ टू सेट वॉलीबॉल, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख लेना। ठीक है, तो वहां से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है बॉल को सेट कैसे करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि सबसे ईजी जो पाथ है वो आपका राइट साइड है, उसके बाद आता है लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड में आपको बैक सेटिंग आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा कि लेफ्ट साइड कब करना है अंडर हैंड से और राइट साइड कब करना है।
तो इस वीडियो के अंदर हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए। तो ये पॉइंट आपको कैसे लगे और आपके लिए कितने ज़्यादा हेल्पफुल में आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करोगे। और आपके अगर कोई भी अगर आगे भी दिक्कत आती है वॉलीबॉल से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। और अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है आनंद भारद्वाज के नाम से, तो आप उस पर मैसेज करिए। साथ के साथ अपना व्लॉग चैनल आपको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितने भी अपने सोशल मीडिया के लिंक रहेंगे मैं सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।